डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। यहाँ परे रिसर्च रे आउ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य मध्य स्थान पाई जेहेतु चीन दीर्घ दिन हला युद्ध करी नाही एवं जदि चीन रो शेष युद्ध देखिबा ताहले 1999 रे वियतनाम युद्ध को जदि धरा जाय ताहले पाखापाखी 30 वर्ष हला चीन सैन्य माने युद्ध रे नियोजित होई नाहंती बा सेभळी किछि खास युद्ध रो अभिज्ञता रखि नाहंती। एपरि स्थल रे बिना युद्ध रे सैन्य मानंक पई जेउ बेमार रो कारण टी हुए ताकु कहा जाय पीस डिजीज। तेणु शांतिपूर्ण भावरे बसी पड़ा बेले हठात उठी युद्ध करने संभवपर हो नपे चीन सैन्य मानी अपरपेटे लगातार युद्ध करी एवं लगातार पाकिस्तान आतंकवादी सह लड़ी लड़ी भारत मानक पीस डिजीज अनेक दूर से रही। तेणु सदा सर्वदा सतर्क एवं तैनात भारतीय सैन्य मानी पीस डिजीज कारण चीन सैन्य मान क्षमता अपेक्षा अधिक क्षमता रही रिपोर्ट रिपोर्ट रे दर्ज होई। जदि मोबाइल फोर्स कथा कहिबा ताहले उभय पटरे रही अत्याधुनिक परमाणु बोही नहीं पारुथबा बा वारहेड नहीं पारुथबा मिसाइल मध्य भारत चीन पाखरे रही। तबे संभाव्य युद्ध रे चीन जदि भारत उपरे हमला करे एवं सबुठ बड़ कथा हला चीन जदि भारतीय हवाई अड्डा मानक उपरे आक्रमण करने को चाहे एवं रनवे आउ हवाई अड्डार बेस उपरे आक्रमण करने को चाहे ताहले तीनोटी हवाई अड्डा को उड़ेवा को हेले चीन को प्रतिदिन 660 बालिस्टिक मिसाइल रो आवश्यकता पड़िबो। तेणु गोटे हवाई अड्डा को जदि चीन को उड़ेवाई दुई दिन समय लगे ताहले पाखापाखी चीन रो 1200 मिसाइल सरीजिबो एवं एही मिसाइल गुड़िक मध्यम एवं छोट दूरता संपूर्ण मिसाइल होता बेले चीन जदि तीनोटी हवाई अड्डा को आक्रमण करे ताहले एहारो अनेक मिसाइल सेमिति सरीजिबार संभावना रही। किंतु एही मिसाइल मानकु चीन केमिति व्यवहार करिवो सेटा ता उपरे रही। किंतु अन्यन्य मिसाइल कथा जदि देखिवो ताहले भारत मध्य बे ढेर क्षमता संपन्न मिसाइल निर्माण एवं भारत पाखरे मौजूद रही अन्यन्य भिन्न किस्मर मिसाइल जहाँकि बेले बेले अमेरिका एवं रशिया भली देश रे चर्चार खोराक जोगाई थाए। एही हिसाब रे चीन एवं भारत युद्ध रे भारतर पल्ला भारी एवं संभाव्य लद्दाख सीमार जदि युद्ध हुए ताहले चीन सैन्य माने भारतीय सैन्य मानकु एते बेसी प्रभावित करि पारिबे नाही बोली जो रिपोर्ट जो आकलन दर्शा जाइछि ताहाकु परोक्ष रे चीन रो आउ एक मैगजीन जहाँकु वेपनारी मैगजीन कहा जाए मॉडर्न वेपनारी मैगजीन एही मैगजीन रे मध्य परोक्ष भावरे दर्शा जाइथिबा जणा पड़िछि। तेणु भारतीय मानंकर सक्षमता एवं युद्धाभ्यास अनुभव को चीन रो अन्यन्य मीडिया माने स्वीकार करथुबा बोले चीन रो प्रोपागंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स बारंबार चीन सैन्य मानंकर युद्धाभ्यास रो फेक फोटो एवं भिन्न स्थान रे शूटिंग करा जाइथिबा फोटो गुडी को एवं वीडियो गुडी को पोस्ट करी सोशल मीडिया रे चांचल्य सृष्टि करिया पई चाहुतिले मध्य प्रकृत सत्य एवं प्रकृत वास्तविकता जे अनेक दूर रे रहिची ताहा मध्य समस्ते बुझिबारे असमर्थ नुहंती। तेणु ए रिपोर्ट रो आकलन को जदि धरा जाय ताहाले चीन एवं भारत युद्ध हेले भारतीय मानंकर पल्ला निश्चित भावरे चीन उपरे प्रभाव विस्तार करिवो एहा ही ए रिपोर्ट रो एक तुलनात्मक चित्र बोली जणा पडिची। तबे ग्लोबल टाइम्स आउ चाइना रो ए समस्त षड्यंत्र मूलक वीडियो एवं युद्धाभ्यास रो प्रस्तुति चित्र को नजरअंदाज करिछि भारतीय दल। भारतीय दल एकमात्र नजर रखिछि चीन रो गतिविधि उपरे सीमारे एवं निजर समस्त रणनीति को मध्य सेठारे प्रयोग करि चालिछि। एपरि कि चीन सैन्य मानंकर गतिविधि बढ़ुथिबारु भारत मध्य एठारे निजर अस्त्रशस्त्र एवं सैन्य मानंकु मुतयन करि सारिछि एवं सीमा उपरे तीक्ष्ण नजर रखिछन्ति भारतीय सैन्य माने। केवल सेतिकि नु भारत तरफरु मध्य एठारे T-90 भीष्म टैंक एवं मोबाइल फायरिंग क्षमता थिबा ट्यांक को मध्य नियोजित करिछि। केवल सेतिकि नु कारगिल युद्ध बेले पाकिस्तानी मानंकर होश उड़े जाइथिबा बोफोर्स तोप मध्य एठारे नियोजित होईछि। पाखापाखी 60 बोफोर्स तोप को नियोजित करिछि भारतीय प्रतिरक्षा विभाग। एहा छड़ा M777 अल्ट्रा लाइट लाइटर यूजर तोप मध्य एठारे नियोजित होईछि। ता छड़ा एही तोप गुड़िक एयर ट्रांसफरेबल मध्य जणा पड़िछि कारण एगुड़िक चिनुक हेलिकॉप्टर रे गोटिए जगारु आउ गोटिए जगाकु
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା 151 mm ହାଇ ୟୁଜର ତୋପ ଥିବା ବେଳେ 24-30 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମାଡ଼ କରିପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ K9 ତୋପ ଯାହାର 52 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ତାହା ବି 15 ସେକେଣ୍ଡରେ 3 ଗୋଳା ପଠାଇ ପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ତୋପ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ଧନୁଷ ତୋପ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଉ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ତୋପ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ସୀମାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚୁପଚାପ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏବେ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଯେତିକି ଗତିବିଧି ଚୀନ ବଢ଼ାଉଛି ତଦନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତାର ଗତିବିଧି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏପରିକି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ଜବାବ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ତୟାର ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚୀନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଚୀନର ଯେଉଁ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାରମ୍ବାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ବୟାନ ଜାରି କରିଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତୋପ ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ନିୟମିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଏବଂ ଏହା ଚୀନ ସୈନ୍ୟମାନେ ସୀମାରେ ରଖିବା, ତା ଛଡ଼ା ଚୀନ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିବାର ଖବର ନିୟମିତ ଛାପିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ କିନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଧାରକୁ ନ ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଏବଂ ଚୀନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଜ ସୈନ୍ୟ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦରକାର ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9:00 କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।